ये चूर नहीं है पैसे, अब ये रुमाल में बंद है हमारा पैसे, तो जो रुमाल हमने खोला है तो ये कागज़ है ना रुमाल में। हाँ बकरा 5000 वाला भी है, ठीक है, सफेद बकरा किधर है। बकरों का लो भाई, ये वायरल होने वाली चीज मैं आपको बता रहा हूँ। अल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह पाक की सुसी रहम करम के साथ मैं हूँ जी सैयद मोइन। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगे। आज का ये व्लॉग करते हैं जी शुरू, और मैं मौजूद हूँ इस टाइम रावत मंडी, और ये एक बहुत बड़ी मवेशी मंडी है जी। और अभी सुबह के 8 हो रहे हैं, और आमतौर पर मवेशी मंडियों में जी दिन के 12 बजे रश स्टार्ट हो जाता है, लेकिन यह है कि उस टाइम व्लॉग शूट नहीं किया जा सकता, अभी रश कम है, तो हमने कहा जी आपको मंडी का विज़िट करा दें। और यहाँ पर मुख्तलिफ़ इलाकों से बड़े बड़े जानवर, खूबसूरत जानवर आए हुए हैं, और सबसे पहले आपको जानवर दिखाते हैं और फिर इनके मालकान से बातचीत भी करेंगे कि मवेशी मंडी की क्या अभी सूरत हाल चल रही है, और आपको मुख्तलिफ जानवरों की प्राइस और इनकी कदो कामत के लिहाज से इनकी प्राइस रेंज के बारे में भी आगाह करेंगे। यहाँ पर हमारे साथ एक भाई मौजूद हैं, इनके पास भी बहुत खूबसूरत जानवर मौजूद हैं, तो इनसे बातचीत करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाईजान सबसे पहले बताएं कि जी आपके पास कौन कौन सी नस्ल के बैल मौजूद हैं, और इनका कितना वेट है, कदो कामत के लिहाज से इनका क्या वेट है, और इनकी क्या प्राइस आप डिमांड करते हैं इसकी? हमारे पास सहीवाल का नस्ल का है, देसी उत्तराधी, और ये इसकी कीमत है 280, और इसको 230 का दे देंगे। ठीक है जी, ये कह रहे हैं जी कि इस खूबसूरत बैल की डिमांड है जी 280, लेकिन अगर कोई अच्छा पार्टी मिलती है इनको तो ये 230 तक भी अपने खूबसूरत बैल को फरोख्त कर देंगे। बहुत खूबसूरत बैल है, और जिसकी काफ़ी ज़्यादा हाइट है, इनसे बातचीत करते हैं जी, इस बैल के बारे में मालूम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान आपके पास ये कौन सी नस्ल का बैल है, और इसकी हाइट कितनी है? राजनपुर की नस्ल का बैल है, और इसकी हाइट 5 फुट है। अच्छा जी, ये बता रहे हैं जी कि राजनपुरी नस्ल का ये बैल है, और इसकी हाइट तकरीबन 5 फुट है, माशाल्लाह बहुत बहुत खूबसूरत बैल है। और ये बताएँ जी कि इसकी इस टाइम क्या प्राइस है? इसकी 2.5 लाख प्राइस है। अच्छा जी, 2.5 लाख इसकी ये डिमांड कर रहे हैं जी, तो अगर कोई अच्छा गाहक आपको मिल जाता है तो आप इसको फाइनल कितने तक सेल कर देंगे? 2 लाख 20 तक। 2 लाख 20 तक भी ये दे देंगे जी। जी यहाँ पर एक बहुत खूबसूरत जानवर है ब्लैक कलर में, अभी इनसे पता करते हैं जी कि इस खूबसूरत बैल की क्या प्राइस है। जी भाई जान बताएँ जी इसकी क्या प्राइस है? अस्सलाम वालेकुम जी। भाई जान असी इसका जी 2 लाख रुपये मांग रहे हैं, और जो गाहक है ना वो बहुत नखरा करता है, और हम जो आदमी हैं ना हम किसी न किसी वजह से उनको डील कर लेते हैं। और इस जानवर का वज़न कितना है जी, ये भी बता दें? 6.5 मण है जी। अच्छा जी, ये कह रहे हैं जी कि इस जानवर का वज़न जो है तकरीबन 6.5 मण के करीब है। कीमत क्या है और इसका वज़न क्या है जी? ये मैं घर में आप पाला है। अच्छा, तो तकरीबन इसका वज़न है 7 से 8 मण। अच्छा,
मैं 2.5 लाख रुपया मंगना पे। 2.5 लाख रुपया मांग रहे हैं जी इस जानवर का, और ये कह रहे हैं जी कि इन्होंने ये खूबसूरत जानवर अपने घर में पाला हुआ है। घर में पाला है, इस मेहनत बहुत इसने की थी यार। करते हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ भाई जान, बताएं कि आपके पास इस टाइम कितने जानवर यहाँ पे मौजूद हैं? हमारे पास 23 जानवर हैं भाई। 30 जानवर हैं? 23 जी जी। अच्छा ये बताएं कि जी ये कौन कौन सी नस्ल के आपके पास जानवर बांधे हुए हैं? ये हमारे पास सहीवाल के हैं, सही फतेह जंगी हैं, ये दो नस्लें हैं। ठीक है जी जी। और ये बताएं जी कि सबसे कम आपके पास किस प्राइस में जानवर मौजूद हैं? हमारे पास 2.5 लाख तक हैं। 2.5 लाख तक हैं मिनिमम। सबसे कम प्राइस किस जानवर की है? कम से कम लाख के हैं। लाख के जी। और इसका वज़न कितना होगा? वज़न कम से कम 3 आप चलते हैं जी मंडी की दूसरी तरफ, और आपको मंडी में मौजूद मुख्तलिफ अकसाम के खूबसूरत बकरे दिखाते हैं जी, और इनके मालकान से बातचीत भी करेंगे और आपको इनके मौजूदा प्राइस के बारे में भी बताएंगे। बटन से जब ਕਟਾ ਵਾਦਾ ਹੋ ਸੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵਾਦਾ ਕੋਈ 1500 ਨਾ ਹੋ ਸਕਣਾ ਨਾ ਜਾਇਜ਼ ਕੀ ਬਹੁਤ ਖਰਚੇ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਆਪ ਜੀ ਕੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੱਕ ਇਸ ਕੋ ਆਪ ਸੇਲ ਕਰ ਦੇਂਗੇ ਇਹ ਹਮ ਡਿਮਾਂਡ ਇਸ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ 90000 ਰੁਪਿਆ ਔਰ ਫਾਈਨਲ 80000 ਦਾ ਕਮ ਦੇ ਦੇਂਗੇ ਇਸ ਕੋ ਅੱਛਾ ਜੀ 80000 ਤੱਕ ਦੇ ਦੇਂਗੇ ਅੱਛਾ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਬਤਾਈਏਗਾ ਜੀ ਕਿ ਇਸ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬੱਕਰੇ ਕਾ ਵਜ਼ਨ ਕਿੰਨਾ ਹੋਗਾ ਵਜ਼ਨ ਤਕਰੀਬਨ ਲਾਈਵ ਵੇਟ ਇਸ ਕਾ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ 100 ਕੇਜੀ ਹੋਗਾ 100 ਕੇਜੀ ਕੇ ਕਰੀਬ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ ਕਿ ਇਸ ਬੱਕਰੇ ਕਾ ਵਜ਼ਨ ਹੋਗਾ ਤੋ ਦੋ ਦਾਂਤ ਹੈ अच्छा जी दो दांतों में दो दांत है ये यानी कि दोंदा बकरा है। अच्छा जी कह रहे हैं जी कि दोंदा बकरा है तो चलते हैं जी आपको मज़ीद बकरे भी दिखाते हैं मंडी में। यहाँ पर हम मौजूद हैं बकरा मंडी में और हमारे साथ ये एक अंकल मौजूद हैं इनके पास भी माशाल्लाह काफ़ी अच्छे बकरे मौजूद हैं और इनसे बातचीत करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा जी अंकल ये बताएं जी कि आपके पास इस टाइम कितने बकरे मौजूद हैं और सबसे कम किस बकरे की कितनी प्राइस है? 10 बकरे मेरे पास मौजूद हैं और 25,000 का बकरा भी है और इसके अलावा मैं 20,000 का भी दे सकता हूँ। ठीक है जी ये कह रहे हैं जी कि 25,000 मिनिमम इनके पास बकरा है, 25,000 से शुरू हो रहा है लेकिन ये 20,000 तक भी अपना बकरा सेल कर देंगे। भाईजान ये कौन सी नस्ल का बकरा है जी? ये जी उत्तराधी नस्ल के बकरे। ठीक है माशाल्लाह जी काफ़ी बड़ा बकरा है और इसकी क्या डिमांड करते हैं जी आप? इसका 1,20,000। 1,20,000। ये चूर नहीं है पैसे, अब ये रुमाल में बंद है हमारा पैसे, जो रुमाल हमने खोला है तो ये कागज़ है ना रुमाल पूरा किस्सा। हाँ दो जो ना चोर हमें मिले हैं जी, इस तरह हुआ है कि हम भेड़ा ख़रीद रहे थे तो भेड़ा हमें पसंद नहीं आया, हम बाहर निकले हैं मैं और एक मामा थे साथ, तो उन्होंने जो है ना अपने पैसे फेंके हैं तो दूसरे बंदे ने उठा लिए हैं, तो ये चैम्बर रोड पर जो है ना मोड़ पर तो दूसरे बंदे ने उठा लिए हैं, वो कहते हैं कि आओ इसे 50-50 करते हैं, तो हम भी लालच में आ गए, हम साथ ही 50-50 करने थोड़े से साइड पे गए हैं, तो फिर ऐसा हुआ कि उसके पीछे एक और बंदा आ गया तो वो कहता है जी मेरे पैसे गुम हुए हैं तो मैंने आपकी तलाशी लेनी है हमारी। जब उन्होंने तलाशी ली तो हमारे पास तो अपने पैसे थे तकरीबन 1.5 लाख के करीब था, तो वो दूसरे ने जो ना वो उसके ऊपर जो ना निकाले हैं, दूसरे बंदे ने निकाले हैं पैसे, जो चोर था उसने पैसे शो किए हैं, हमने भी हमारे अपने पैसे शो किए हैं, उसने जो ना वो एक रुमाल में लपेट के था तो उसको अपने पैसे दे दिए, हमें अपने पैसे दे रहा था, हमें अपने पैसे दिए तो रुमाल में जो लपेटे हुए थे तो वो हमारे पास ही अभी, तो उससे जो है ना वो बने हुए हैं, क्या उसे कहते हैं, सारे कागज़ बने हुए हैं, वो बंदे तो भाग गए हैं। ये देखे जी ये पैसे थे 1.5 लाख रुपया था हमारा और इसमें अभी ये कुछ भी नहीं है, बस कागज़ ही नज़र आ रहे हैं सब कुछ, तो इसमें हमारे साथ जो है ना वो हो गया है, तो अब कितना मोबाइल नंबर है हमारा 0313
51 नंबर है हमारा जी। जनाब आज के इस व्लॉग में हम आए थे जी रावत मंडी के अंदर, और आपको मैंने मंडी के अंदर मौजूद बड़े जानवर भी दिखाए और इसके अलावा छोटे बकरे भी दिखाए। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये व्लॉग अच्छा लगेगा जी। आज के इस पैगाम के साथ आपसे लेते हैं जी इजाज़त। अगर आप मवेशी मंडी में आ रहे हैं जी जानवर ख़रीदने के लिए, और आप अपने जानवर देखने के बाद ये मेक श्योर कर लें कि जो आपने जानवर ख़रीदा है या जो आपने जानवर पसंद किया है उसमें किसी किस्म का कोई ऐप ना हो, यानी क्योंकि आमतौर पर गाड़ियों में अनलोड और लोड करने के दौरान मवेशी जो हैं वो ज़ख्मी हो जाते हैं या उनमें कोई ना कोई ऐप आ जाता है। तो आप जब भी जानवर ख़रीदें तो ये देख लें, तसल्ली कर लें कि आपके उस जानवर में किसी किस्म का कोई ऐप तो नहीं है। बिल्कुल इसी तरह अगर आप मंडियों के अंदर अपने मवेशी फरोख्त करें तो आपको ये चाहिए कि जी जब आपका सौदा हो जाए, जब आपकी बार्गेनिंग कंप्लीट हो जाए, तो आप जो है अपने ग्राहक से जब पैसे वसूल कर रहे होते हैं उस दौरान पैसों को तसल्ली से चेक कर लें, क्योंकि नौसरबाज लोग हर जगह मौजूद होते हैं। और आप अपने मेक श्योर कर लें कि जी कि जो आपको रकम दी जा रही है वो बिल्कुल ठीक है और कोई फेक नोट आपको नहीं दिया जा रहा। इस खूबसूरत पैगाम के साथ अपने दोस्त सैयद मोइन बुखारी को दीजिए इजाज़त। किसी नए मकाम पर किसी नई जगह आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक अल्लाह निगहबान।